हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्लेन ट्रस। तो हम जानेंगे ट्रस क्या होता है, आपका फ्रेम क्या होता है, और आपके जो मेंबर होते हैं उसमें टेंशन और कंप्रेशन कैसा होता है और कैसे शो करना है। बट वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बाकी के वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अपना वैल्यूएबल फीडबैक। तो स्टार्ट करते हैं। सो आपका ट्रस होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बार्स और मेंबर्स जॉइंट टुगेदर एट देयर एंड्स बाय रिवेटिंग वेल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट लोड्स। तो ये जो है मेरा, ये एक ट्रस सिस्टम है, कुछ नहीं है, स्ट्रेट बार्स है। मान लीजिए ये पेन है, स्ट्रेट बार्स की तरह काम करूं और इनसे मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं, एक ये अगर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी मैं बनाता हूं तो ये भी एक मेरा ट्रस है। सो आपका ऐसा सिस्टम जिसमें यूनिफॉर्म बार्स है जॉइंट टुगेदर एट एंड्स, ठीक है, इनको जॉइन कर रखा होता है हमने और इनको हम सपोर्ट करने के लिए लोड्स को यूज करते हैं। मान लीजिए यहां पर मैं कोई लोड लगा सकता हूं, पी, यहां पर क्यू, तो मैं लोड्स लगा सकता हूं, ठीक है, ये मेरे लोड को विदस्टैंड कर लेंगे ट्रस। नाउ जो मैंने आपको बताया कि मेंबर ऑफ ट्रस आपके स्ट्रेट मेंबर्स रहते हैं और लोड जो है आपका सिर्फ जॉइंट्स पे ही अप्लाई होता है, ये बात रही ट्रस की। मेंबर आपके जो ये है, ये जैसे एक सिंगल मेंबर हो गया। अब जब क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो आपको क्या होता है, एका चीज जो लोड्स लगाए हुए हैं वो दिए होते हैं एंड देन दे आस्क कि मेरे को फोर्सेस बताओ मेंबर्स में, इस मेंबर में मेरे को फोर्स बतानी है। तो वो क्वेश्चन होते हैं आपके मेथड ऑफ सेक्शन से, ग्राफिकल मेथड से या फिर मेथड ऑफ जॉइंट से, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बट अभी के लिए आप इतना सीखिए कि ट्रस होता क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेम क्या होता है, उसके बाद कि एक इंडिविजुअल मेंबर के अंदर जो आपका टेंशन है या कंप्रेशन है वो कैसे शो करना है और वो कैसे यूज करूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। सो नाउ मेरा फ्रेम है। फ्रेम इट इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल बार्स और मेंबर्स पिन टुगेदर एंड इन विच वन और मोर देन वन ऑफ इट्स मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टू और मोर देन टू फोर्सेस। अब यहां से मेरे को इतना क्लियर नहीं हुआ है, पर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा ताकि आपको फ्रेम और ट्रस में अंतर ढंग से पता लग जाए, तब आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक ले रहा हूं सिस्टम जिसमें मेरे पास सिर्फ थ्री मेंबर्स हैं और ये थ्री मेंबर्स के सिस्टम को नाइफ एज सपोर्ट मैंने लगा दिया, यहां पर भी मैंने नाइफ एज सपोर्ट लगा दिया है। एक और सिस्टम ले लेता हूं, ठीक है, अभी मैं इसी से आपको अंतर ढंग से क्लियर करा दूंगा। नाइफ एज सपोर्ट, ठीक है। सो आपका जो ट्रस होता है, ये मैं ट्रस ले रहा हूं और ये मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रेम क्या होता है। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज इसमें अंतर समझने की, वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रस इज विच इन विच फोर्सेस आर अप्लाइड ओनली एट जॉइंट्स। अगर मुझे फोर्सेस लगाने हैं तो मैं सिर्फ जॉइंट्स पे लगा सकता हूं, मान लो F1, F2, F3, तीन फोर्सेस मैंने लगाए, मैं सिर्फ जॉइंट पर ही लगा सकता हूं। बट अगर मेरे को फ्रेम दे रखा है तो मैं फ्रेम में F1, ठीक है, फ्रेम में मैं फोर्सेस में एक्ट एनीवेयर ऑन द मेंबर, मान लीजिए ये मेंबर है तो एक फोर्स ये भी लगा सकता हूं जो कि मैं इसमें नहीं कर सकता था ट्रस में। अब मैं डेफिनेशन को देखूंगा तो मुझे ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इधर वाले में भी लगा सकता हूं, F3 फोर्स लगा दी। इट इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल बार्स एंड मेंबर्स पिन टुगेदर, ठीक है, ये तो सेम हो गई दोनों के लिए। इन विच वन और मोर देन वन ऑफ इट्स मेंबर्स इज सब्जेक्टेड टू, तो
किसी एक मेंबर में या फिर दो तीन कितने भी मेंबर्स में मैं दो से ज्यादा भी फोर्स लगा सकता हूं। तो ये चीज है, यहां पर भी फोर्स लगा दी, मान लो इधर भी मैं फोर्स लगा, कितनी भी फोर्सेस लगा सकता हूं एक ही मेंबर के अंदर, जबकि ट्रस में मैं ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ जॉइंट्स पे लगाता था मैं। सो ये आपका अंतर है फ्रेम और ट्रस में। कल को आपको कोई वाइवा में पूछ सकता है या फिर एग्जाम में भी आ सकता है 2 मार्क्स का। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन और कंप्रेशन कैसे होता है इन मेंबर्स में। अगर एक सिंगल मेंबर की बात करूं तो टेंशन और कंप्रेशन कैसे आप शो करें। सो अब आप समझिए कि टेंशन और कंप्रेशन है क्या। मान लीजिए ये मेरा पूरा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेंबर्स है। अब इसमें मान लीजिए एक इंडिविजुअल मेंबर है, ये कोई एक इंडिविजुअल मेंबर, ये वाला मैं ले रहा हूं। तो जब आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से मैं बता रहा हूं, तो आपको न्यूमेरिकल्स यही रहते हैं बेसिकली कि आपको इन कोई भी मेंबर्स में आपको बोल देंगे कि फोर्सेस निकालिए। तो इस मेंबर में अंदर क्या फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस कौन सी, वो टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स कितनी लग रही है और वो कौन सी है, ये डायरेक्शन भी आपको बताना होता है कि ये टेंसाइल फोर्स लग रही है या फिर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। क्योंकि मान लो मैं यहां से भी इसे लोड लगाऊं, यहां से भी लोड लगाऊं, तो इस पे कुछ तो फोर्स लगेगी ना। मान लो इस पेन पे मैं दो तरफ से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर से नीचे से इसको दबा रहा हूं एक तरह से, तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं दोनों एंड से, तो इसके ऊपर टेंशन लगेगी। तो वही चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इधर। तो मान लीजिए एक मेंबर है मेरा, अब मैं पहले टेंशन की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए मेरे पास एक मेंबर है, इसमें मुझे टेंशन शो करनी है कि किस तरह इस पे टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो अब अगर देखूं टेंसाइल फोर्स, अगर ये पेन है मेरा तो इसको मैं इधर से खींच रहा हूं, इधर से खींच रहा हूं, तो अगर एक्सटर्नली देखूं, मैं बाहर देखूं एक्सटर्नली, तो इस तरह से मेरी फोर्स एक्ट कर रही है, बाहर को खींचने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। नाउ इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं वो रेस्ट्रिक्ट करेंगी इस टेंशन को, तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो अपोजिट हैं और वो इस तरह हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इसको याद करने की जब मैं जॉइंट्स मेथड ऑफ सेक्शन मेथड ऑफ जॉइंट बताऊंगा, अभी भी बता देता हूं पर तब बताऊंगा कि किस तरह इजीली याद रख सके। पर अभी आप ये याद रखिए कि अगर मैं इस चीज को खींच रहा हूं तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में ऐसे, और अंदर मेरी फोर्सेस इस तरह लगेंगी ताकि उसको मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकूं। सेम मेरा कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या है कि अगेन आपका ये मेंबर है, अब कंप्रेशन है तो मैं इसको दबा रहा हूं, एक फोर्स मेरी यहां एक्ट कर रही है, एक फोर्स मेरी यहां एक्ट कर रही है, इस चीज को दबा रही है। दबा रही है मतलब जो मेरी फोर्सेस है वो इस तरह काम कर रही है, ठीक है उसको। तो ये जो है अंदर मेंबर, इस मेंबर के अंदर अलग फोर्सेस होंगी जो इन फोर्सेस को रेस्ट्रिक्ट करेंगी, मतलब वो आउटवर्ड रहेंगी, तो इस तरह से शो करूंगा। तो जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूंगा ना, तो मैं और आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी फोर्स है, कि ये टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है। तो आप क्या करते हैं, आप एज्यूम करके चलते हैं कि इसमें मान लो मैंने मान लिया टेंशन है, इसमें भी टेंशन है। मैं तो जब क्वेश्चन करता हूं तो हमेशा टेंशन ही मान लेता हूं, फिर मेरा आंसर जब नेगेटिव में आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई टेंशन नहीं थी, कंप्रेसिव फोर्स थी। अब इसका इधर जब मैं अगर मान लो एक जॉइंट को देखूं, यहां पर ये जो जॉइंट है मेरा, ये पॉइंट मान लो बी, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये आपको फायदा इसलिए रहता है कि जब मैं मेथड ऑफ जॉइंट लगाऊंगा, फिर जब एक जॉइंट को चेक करूंगा, वो मैं आपको भी बताऊंगा मेथड ऑफ जॉइंट क्या है, पर जब चेक करूंगा तो ये मेरे को पता है ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। अब खाली ये देख के मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि